दामाद जी, प्रार्थना करने पहला गेरोगे क्यों? भोजन ठंडा होने लग रहा, भोजन खा लो। हाँ बस देवी मैया को भोग लगा लूं, फिर भोजन करूंगा। आप जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। हे मेरी शीतला माँ, मुझे माफ करना, आज मैं तुम्हें भोग नहीं लगा सकता क्योंकि इस भोजन में जहर मिला हुआ है। मैं जब भी भोजन करता था तो पहले आपको भोग लगाता था, बाद में मैं भोजन करता था, और आज जब इन्होंने मुझे जहर मिलाकर भोजन दिया है तो मैं आपको भोग नहीं लगा सकता माता। हाँ माँ, जिसका जन्म हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। आज मैं इस जहर भरे भोजन को आपको भोग लगाए बगैर ग्रहण करूंगा माँ। मेरे प्राण जाएं या रहें, मैं भोजन का निरादर नहीं कर सकता माँ। भगवान ने मीरा के विष को अमृत कर दिया था, प्रहलाद के लिए विष अमृत हो गया था। आज मैं भी माता, हे माँ शीतला, तेरे सहारे इस जहरीले भोजन को खा रहा हूँ। मेरी जान भी तुझे ही बचानी होगी माँ। अगर मैं और मेरी पत्नी तेरे सच्चे भक्त हैं तो माता मेरी लाज बचाना। हे मेरी शीतला माँ, लाज बचाना और मैं ये भोजन अभी खाता हूँ। सुनो होके, रघुवीर का काम तमाम हो गया है। अब सुबह होते ही कह देंगे एक सांप ने काट लिया था और मर गया। हे माजिदला, ये क्या हो गया? अब मेरे पति के प्राण तू ही बचा सकती है मात, क्या तू बहरी हो गई है जो एक दुखिया की पुकार भी नहीं सुन सकती? ए माँ, क्या तुझे एक सती पर दया नहीं आ रही? माँ, मुझे मेरा सुहाग दे दो। क्या तू मेरे सुहाग को छीन लेगी? माँ, मेरी विनती सुन लो। माँ, मेरी विनती सुन लो।
और मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो माँ।
रघुवीर उठ खड़ा हो बेटा, अचेत क्यों पड़ा है? देख बेटा मैं आ गई हूँ। अरे ये मामूली सा जहर तेरा क्या बिगाड़ सकता है? देख तेरे लिए तेरी माँ आई है, तेरी माँ आई है बेटा। माँ? मेरी माँ तू आ गई माँ? तेरी लीला कोई नहीं जान सकता माँ, आज तुमने मुझे अपना लिया है माँ। मेरी पत्नी की पुकार सुन ली माँ तुमने, माँ हम धन्य हो गई, माँ धन्य हो गई तुम्हारे दर्शन पाके। माँ हमें तुम पर पूर्ण विश्वास था कि तुम हमारी पुकार जरूर सुनोगी। हाँ माँ। हाँ बेटा मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ, अब मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। शीतला नाम है मेरा, मैं अपने भक्तों का कभी निरादर नहीं होने देती। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, खुश रहो बेटा खुश रहो। हैं? मेरी मैया अंतर ध्यान हो गई, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया माता के दर्शन पाके। हाँ स्वामी। अरे ये क्या, ये तो मुझे मारने वाले मेरे सास ससुर और सालों की टोली खड़ी है। आओ आप भी आ जाओ, मुझे मरा हुआ देखने के लिए आए थे क्या? देख लो मैं तो जीवित हूँ माँ शीतला के आशीर्वाद से। जिसके सिर पे हाथ माता शीतला का है उसे भला कोई कौन मार सकता है। और हाँ तुमने मुझे मारकर मेरी पत्नी किसी और को देने की चाल चली थी ना, कहो ना क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्यों पूर्णिमा इन्होंने यही खेल रचाया था ना? जी प्राणनाथ, इन्होंने यही घटिया षड्यंत्र रचा था, लेकिन शीतला माता का चमत्कार है, उन्होंने आपकी जान बचा ली। एक ये मेरी माँ हत्यारी नागिन है नागिन, अब इनका मुंह तो देखो स्वामी, अब लगता है ये कोई और नई चाल चलेंगे। बेटा माफ कर दो मने, मैं माफी मांगू। बेटा रघुवीर हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, हमें तुम दोनों बख्श दो, बख्श दो। आप इंसान नहीं कोई देवता हैं, हम राक्षस हैं, हम आपके कसूरवार हैं। हमें माफ कर दो रघुवीर, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, हम शर्मिंदा हैं। हम तुम दोनों के सेवा में रहेंगे, पर हमारी एक गंदी करतूत आप कहीं ना बताना। हाँ बेटा हम अपना सारा धन माल आपको दे देंगे, परंतु ये बात समाज में नहीं जानी चाहिए बेटा। हम माफी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी आज जोड़ के माफी मांगू हूँ बेटा मैं तारे ते। बेटा रघुवीर दुनिया की नजरों में हम इज्जतदार आदमी हैं, पैसे वाले हैं, साहूकार हैं, लेकिन हमारी असली सूरत तुम जान चुके हो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अपने बेटे के लिए ऐसा काम किया है, इसके लिए हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। फिर भी आप देवी माता के परम भक्त हो, उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है, तुम हमारी जान बचा दो। बेटी पूर्णिमा बेटा रघुवीर हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब अपना अपना कर्म फल भोगते हैं, कर्मों का फल कभी टल नहीं सकता। हाँ जहर खाने के बाद भी मेरे प्राण बच गए, ये मेरी माँ शीतला का चमत्कार, वह पूर्णिमा के पतिव्रता धर्म की पुकार है। तुमने अपनी कोशिश करके देख ली, लेकिन मुझे मेरी माँ शीतला पर पूरा विश्वास था कि मेरी भी जान बचेगी और मेरी पत्नी पूर्णिमा भी माता शीतला के चमत्कार से मेरी ही रहेगी। बेटा हम आपसे आंख मिलाकर बात करने लायक तो नहीं है, पर फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांगा है बेटे, माफ कर दे। हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें क्यों शर्मिंदा करती हो माताजी? माफी मांगनी है तो शीतला माता से मांगो, वो तुम्हें माफ करती है या सजा देती है। मात मसानी
ना बाका हो एरी मैया बाला बाका हो। दया
निंदिया सोए री मैया, फूल की निंदिया सोए। महात्मा सानी शीतला दयाल जिस पे हो, महात्मा सानी शीतला दयाल जिस पे हो। दुश्मन कुछ ना कर सके, बाल ना पा